मनी चेन्स का क्या कंसेप्ट है। मनी चेन के कंसेप्ट में हम देखते हैं कि पांच लोग आ रहे हैं, एक एक हज़ार रुपये दे रहे हैं, पांच लोग आ रहे हैं एक एक हज़ार रुपये दे रहे हैं। अब कोई एक शख्स है जो उसने एक हज़ार दिया मेंबर बनने के लिए, मनी चेन में मेंबर बन गया वो। अब वो पांच लोगों को लाएगा जो एक एक हज़ार रुपये देंगे। जब वो एक एक हज़ार रुपये देंगे, वो एक एक हज़ार में से पर्टिकुलर परसेंटेज उसका होगा और पर्टिकुलर परसेंटेज कंपनी को जाएगा, पर्टिकुलर परसेंटेज उसको मिलेगा। फिर जो पांच लोग आए थे वो अपने नीचे के पांच वालों को लाएंगे, एक एक आदमी पांच पांच को लाएगा, या पर्टिकुलर फॉर्मेट चेंज होते रहेंगे, कहीं पांच होगा, कहीं दस होगा, कहीं अनलिमिटेड होगा, कहीं कुछ भी हो, वो अपने नीचे वालों को लाएंगे, वो एक एक हज़ार देंगे। तो क्या होगा, उनके ऊपर वाले को भी कुछ मिलेगा, उन्हें भी कुछ मिलेगा, हाँ, और उसके ऊपर वाले को कुछ मिलेगा, सबको कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ मिलेगा। इस पिरामिड के अंदर जो पिरामिड जैसा बनते आता है, पिरामिड के जैसा ऊपर टॉप पे कम लोग होते हैं, ज़्यादा नीचे ज़्यादा लोग होते हैं। तो होता क्या है कि जितने ज़्यादा लोग नीचे आते आएंगे उतना ज़्यादा ऊपर वालों को मिलता जाएगा, यहाँ तक आके ऊपर वालों को फिर बहुत ज़्यादा मिलने लगेगा। लेकिन इसके मुतालिक स्कॉलर्स का फतवा ये है, क्या फतवा है, नंबर वन, आदमी ने एक हज़ार दिया तो ये क्या चीज़ है, ये उसको मिलना कितना चाहिए, एक हज़ार मिलना चाहिए। और ये देना लेना क्या है, ये कर्ज तो नहीं है, ये डीलिंग है, ये कर्ज नहीं है, ये डीलिंग है। इसके अंदर यदन भी यदिन हैंड टू हैंड वाला होना चाहिए था, डिले है। हैंड टू हैंड का रूल जो हमने बुखारी की हदीस में देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया कि जो समन वाली प्राइस वाली जो छः चीज़ें हैं उसके ने कहा कि ये सब में जब डील करो तो यदन भी यदिन हैंड टू हैंड। हाँ, कर्ज दे रहे हो, कर्ज वाली बात अलग है, ये कर्ज नहीं दे रहा है, ये जिसने 1000 दिया वो कर्ज नहीं दे रहा है, वो एक पर्टिकुलर एंट्री फी दे रहा है, एंट्री पार्टिसिपेट करने की चीज़ दे रहा है। तो यदन भी यदिन हैंड टू हैंड का रूल नहीं फुलफिल हो रहा है। दूसरा, हज़ार दिया और मिलेंगे अगर ज़्यादा 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 मेंबर हो गए तो दसों हज़ार मिल जाएंगे उसे, और अगर कोई भी मेंबर नहीं है तो कुछ भी शायद ना मिले, क्योंकि अगर वो नीचे वाला है लास्ट तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आखिर में पिरामिड में नीचे कोई ना कोई तो होगा, तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर है तो ज़्यादा मिल गया, तो यानी इसके अंदर रिबा अलफदल, रिबा अलफदल और रिबा नसिया दोनों टाइप के रिबा आ गए, सूद वाला रिबा, रिबा अलफदल भी आ गया, रिबा नसिया भी आ गया। तीसरी चीज़, आदमी जब हज़ार दे रहा है तो उसको ये नहीं मालूम है उसके कितने मेंबर बनेंगे, हो सकता है उसके बहुत मेंबर बन जाएंगे, हो सकता है कोई मेंबर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी है कि वो हज़ार रुपये दे रहा है तो क्या चीज़ के दे रहा है उसे मालूम ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये एक किस्म का जुआ हो गया, सूद भी आ गया, जुआ भी आ गया, और इसी वजह से इसके अंदर अनसर्टेनिटी जो छठी शर्त है कि क्लैरिटी होनी चाहिए, क्या बेच रहे हो, क्या खरीद रहे हो, तो यानी कि ये क्या हो गया, गरर इसमें आ गया, अनसर्टेनिटी आ गई। चौथी चीज़ कि इसके अंदर एक धोखा होता है, क्योंकि कोई ना कोई जो लास्ट में होगा उसके साथ में तो बुरा हो रहा है, उसका माल गलत तरीके से खाया जा रहा है। जो अल्लाह ताला ने क्या कहा, या अय्युहल लदीना आमनू ईमान वालो ला ताकुलु अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, अपने माल को आपस में गलत तरीके से मत खाओ, क्योंकि जो पिरामिड के नीचे होंगे तो लास्ट वालों का माल खाया जा रहा है, ऊपर वाले खा रहे हैं, गलत तरीके से खा रहे हैं, तो गलत तरीके से खाना हो गया। और क्या चीज़ है इसके अंदर, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि धोखा बहुत होता है। कई बार इसके अंदर लोगों को ख्वाब दिखाया, कह रहे देखो पिरामिड में ऊपर वाले उस आदमी को देखो, उसे हर महीने के इतने हज़ार इतने लाख मिल रहे हैं, क्योंकि उसने एक हज़ार दिया था मेंबर बनने के लिए, देखो उसको देखो, देखो उसको देखो, उसको देखो, इतना कमा रहे हैं उन लोग। और वो लोग आकर अपने ऐसी मीटिंग्स में बताएंगे, बोलेंगे कि मैं बना था मेंबर, अभी देखो मुझे इतने सारे मिल रहे हैं, मुझे कुछ काम ही नहीं करना पड़ता है, मेरे पास ऑटोमेटिकली पैसे मिल रहे हैं। अब उसको देख करके लोग बोलते हैं हाँ हाँ हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। अब उनको क्या बताया कि वो लास्ट वाले बन जाएंगे, हो सकता है, हाँ, जिसके ऊपर वाले बेनिफिट होंगे, पिरामिड के नीचे वाले होंगे, तो ये उनके साथ धोखे वाली कहानियाँ भी होती है। तो ये पांच वजह तो क्लियरली दिख रही है। इस वजह से ऐसे किस्म की मनी के चेंज को इस्लाम ने हराम किया है, और ऑब्वियसली ऐसी चीज़ों में धोखा दी और चीटिंग है बहुत ओपन लेवल की, इसी वजह से गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को इलीगल बताया है। आगे आते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ। नेटवर्क मार्केटिंग की जो कई कंपनीज़ हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है कि ये सेम कंसेप्ट होता है, सिर्फ एक चेंज आ जाता है। चेंज ये आता है कि ऐसी चेंज को तो सब गवर्नमेंट्स ने, जनरली कई गवर्नमेंट्स ने इसे इलीगल बनाया है, उसे अवॉइड कैसा करें, तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि एक प्रोडक्ट को लेकर आते हैं, चाहे वो एक प्रोडक्ट हो चाहे वो कई सारे प्रोडक्ट हो। अब इसके अंदर भी अलग अलग किस्म की होती है, मैं एक जनरल रूल बता रहा हूँ, फिर हम अलग अलग किस्म की देखेंगे, ज़रूरी नहीं है क्या है हम देखेंगे उसमें आते हैं। तो हम ये देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कंसेप्ट ये है कि जो एक हज़ार रुपये वो दे रहा है, तो एक हज़ार में कुछ प्रोडक्ट लेके आओ, ये एक हज़ार रुपये, बोले मैं कम बेच रहा हूँ, एक हज़ार रुपये का कम,
कैश कैश डील आपको वो क्या मना था, मनी फॉर मनी, पैसे के बदले में पैसा मना था, पैसे के बदले में पैसा नहीं, ये कप है ना, ये कप के लिए ले लो 1000। और जिसका ओवर प्राइसिंग की हुई है, ऐसा कोई प्रोडक्ट होगा या कोई ऐसा कंपोनेंट होगा कि 500 रुपये कैश कंपोनेंट है जो आपको इस चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए मिल रहा है और 500 रुपये के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, या ऐसा हो रहा है कि ओवर प्राइस प्रोडक्ट है, या कोई ऐसे किस्म का प्रोडक्ट जिसकी कोई आदमी को ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ की जा रही है, वो कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको, उसको इंटरेस्ट कंसेप्ट में है। तो वो कंसेप्ट के अंदर जो इंटरेस्ट है और वो उसके अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहा है, अब इसके अंदर काबिले गौर कुछ चीज़ें हैं। मैंने आप लोगों को मनी चेन के बारे में बताया, मैं चाहता हूँ आप लोग एनालाइज करो और बताओ जब प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट आने के बाद उसमें से क्या क्या अप्लाई होता है, क्या क्या नहीं अप्लाई होता है। उसमें मैंने क्या कहा था, मनी चेन में मैंने 5 चीज़ें बताई। नंबर 1 कि इसमें रिबा अल फ़ज़्ल आ रहा है, इंक्रीज़ वाला रिबा आ रहा है, 1000 के बदले में ज़्यादा रुपये मिल रहे हैं या जा रहे हैं। दूसरा रिबा नसीहा, डिले वाला रिबा आ रहा है। तीसरा इसमें धोखे की बात आ रही है, आदमी को मालूम नहीं है उसको क्या मिलेगा, 1000 रुपये में उसको क्या मिलेगा उसको मालूम नहीं है। नंबर 4 इसके अंदर लोगों का माल गलत तरीके से खाना आ रहा है। और नंबर 5 इसमें डिसेप्शन आ रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। आप बताइए कि जब प्रोडक्ट आ जाता है तो प्रोडक्ट आने के बाद क्या एनालिसिस है, वो आप लोग एनालाइज करिए। इसमें एक तो डिसेप्शन है और दूसरा रॉन्ग वे से माल। एक मिनट, एक एक चीज बताइए, डिसेप्शन कैसे है? एट द लास्ट धोखा होने वाला है, मतलब लास्ट जो उनके साथ धोखा होता ही है। देखिए इसमें क्या है कि लास्ट जो है तो इसमें भी कोई ना कोई लास्ट होगा, कोई ना कोई लास्ट होगा, ये एक पॉसिबिलिटी है जी। दूसरा रॉन्ग वे से तो माल खाया जा रहा है उनका, जैसे मैंने डिस्क्राइब किया उस चीज के अंदर उनका माल खाया जा रहा है गलत तरीके से और डिसेप्शन इसमें है। ठीक है, आप देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में वो लोग जब किसी को मेंबर बनाते हैं, मैंने कुछ सेशंस वगैरह अटेंड किए हैं, शायद आप लोगों ने भी किए होंगे, उसके अंदर क्या करते हैं, प्रोफाइल्स बताते हैं, प्रोफाइल्स ऑफ सक्सेस। बोले फलां को देखो, ये हमारा मेंबर बना था फलां साल में, और देखो ये उसकी याच है, ये उसका घर है, ये उसकी लाइफस्टाइल देखो, देखो कितने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, ये हमारी कंपनी का मेंबर बन गया, अब देखो उसके साथ कितना कुछ है, उसे बैठे बैठे लाखों रुपये की इनकम हर महीने आ रही है। हाँ, तो ये सब बताकर क्या होता है कि आदमी ख्वाब देखने लगता है, बोले हाँ मेरे साथ भी ऐसा होगा, और फिर उसी उम्मीद से वो आता है, लेकिन उसे क्या बताया, हो सकता है उसका कोई डाउनलाइन होगा ही नहीं, उसे कोई डाउनलाइन मिलेगा ही नहीं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ नहीं मिलता, तो ऐसे लोग होते हैं। और नेटवर्क के अंदर ऐसा ही है कि पिरामिड मार्केटिंग जिसे कहते हैं, पिरामिड में नीचे की तरफ कोई ना कोई ऐसा होगा ही, तो डिसेप्शन और उसका माल गलत तरीके से खाना, ये एक चीज़ जो इस फॉर्मेट में, जो मैंने डिस्क्राइब किया, इस फॉर्मेट में दिख रही है। आगे बताइए जी, कौन बात करना चाह रहा है कुछ जी? वो प्रोडक्ट की अगर ज़रूरत है, जैसा कोई दवा की कंपनी रहती है या कोई ऐसा चीज़ रहती है जो यानी काम आने की चीज़, वो चीज़ भी ऐसा रहती है। और उसमें कैसा रहता है कि परसेंटेज लोग देते हैं, यानी तुम जैसा 500 की या 1000 की या कोई प्रोडक्ट ले लो, वो तुम खुद भी यूज़ करो, तुम्हारे को बेनिफिट मिले तो ही तुम सामने मार्केटिंग करके दूसरे लोग को लेके आओ। जो लोग लेके आएंगे ना तुम, तो उसमें तुम्हारे को एजेंट जैसा तुम रहेंगे, तुम्हारे को परसेंटेज मिलेगा उसमें। गौर करिए, देखिए एजेंट में और नेटवर्क मार्केटिंग में फ़र्क क्या है। कोई एजेंट है, कस्टमर लेके आता है, उसको कमीशन मिलता है। यहाँ पे शख्स कस्टमर भी है और कमीशन भी ला सकता है। मतलब क्या है सुनिए, देखिए एजेंट में और नेटवर्क मार्केटिंग में फ़र्क क्या है। कोई एजेंट है, कस्टमर लेके आता है, उसको कमीशन मिलता है। यहाँ पे शख्स कस्टमर भी है और कमीशन भी ला सकता है। मतलब क्या है सुनिए, एजेंट में और इसमें हम डिस्टिंक्शन करेंगे तो हमें कुछ डिफरेंसेस पता चलेंगे। चलिए बताइए, एजेंट में और नेटवर्क मार्केटिंग में, मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के लिए आप किसी कस्टमर को लाते हो। हाँ, कहते हो कि भाई आपका 50 रुपीज़ का एक कप है, ये कप का मैं कस्टमर को लाऊंगा, मुझे कितना मिलेगा? तो सेलर बोलता है मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा, 10 रुपये दूंगा, 20 रुपये दूंगा, तुम्हें तुम्हारा मार्जिन इतना रहेगा, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, ये तुम्हारा मार्जिन रहेगा। तो 10 रुपीज़ अग्री हुआ, उसने कस्टमर को लाया, आपने उसे 10 रुपीज़ दिया, ये तो सही है ना, बिल इत्तफाक सही है, इसमें तो कोई हराम चीज़ है ही नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट है, ये 500 रुपये का है, आपने किसी को बेचे। अब आप जब किसी को बेच रहे हैं या किसी को बेच रहे हैं, उसमें वो आ रहा है तो ज़रूरी नहीं इसके लिए आ रहा है, वो आ रहा होगा उसके लॉन्ग टर्म बिजनेस पोटेंशियल के हिसाब से। उसने जो 500 रुपये दिए वो कप के लिए ज़रूरी नहीं दिया है, वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करने के लिए कर रहा है। वो एजेंट तो कप खरीदना उसके लिए लाजिम थोड़ी था, तुम खरीदोगे तो ही बेच सकते हो, यहाँ पे तुम खुद खरीदोगे तो ही बेच पाओगे। और क्या होगा कि सिर्फ तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारे नीचे भी जो लोग बेचेंगे
नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, जितने भी नीचे वाले बेचेंगे उसमें तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा, तुम्हारा वो चीज़ इसी तरह से बढ़ती आएगी। पूरा एक चेन नीचे वाले का स्टार्ट हो रहा है, और चेन बनाना मकसद होता है, चेन बनाना मकसद होता है। लास्ट में वो लोग होंगे जिन्होंने कब खरीदा 500 रुपये में और जिन्होंने किसी को पाया ही नहीं बेचने के लिए। मतलब ये एक वो मनी चेन से स्ट्रॉन्ग पैरेलल्स है। इसी वजह से स्कॉलर्स का फतवा जनरली MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या पिरामिड मार्केटिंग जिसे कहते हैं, उसके ताल्लुक से स्कॉलर्स ने हराम का ही फतवा दिया है जनरली। हालांकि इस टॉपिक को कुछ लोग डिबेट करते हैं, कहते हैं देखो इसके अंदर जो मनी चेन एस्पेक्ट है वो हराम है, इसके अंदर कुछ पॉसिबिलिटी है जायज़ और हलाल की। एटलीस्ट इन माई नॉलेज मैं नहीं जानता हूँ कि कोई अभी तक कोई ऐसा फॉर्मेट जो किसी के ताल्लुक से स्कॉलर्स ने कहा है। दे गेट ट्रैप, दे वॉन्ट अदर्स टू गेट ट्रैप, इसी वजह से ख्वाब दिखाना इतना होता है। ठीक है, कोई और सवाल यहाँ तक? ओके, तो हमने अल्लाह के बहुत फजल व एहसान से काफ़ी सारी चीज़ें कवर की, कुछ चीज़ें फिर भी रह गई। उनमें से एक है तकाफुल, तकाफुल जिसे कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कहते हैं, और उसमें से एक है हायर परचेस। कई लोग जो अपने ऑर्गन सेल करते हैं, तो ये ऑर्गन सेल करना कैसा है? अच्छा, आपके 6 रूल्स के तहत बताओ कौन से रूल से टकरा रहा है, चलो बताओ। कंसेंट, आदमी कंसेंट से दे रहा है, चलो। कौन सी 6 में से कौन सी कंडीशन से टकरा रहा है? पोजेशन है ना, मेरे पास पोजेशन है ना, ऑर्गन पोजेशन है, हाँ कुछ और नहीं है। सोचो, ओनर, हमारी बॉडी के हम लोग ओनर नहीं है, ये हमारी बॉडी का ओनर कौन है? अल्लाह है। इसी वजह से कोई शख्स अगर सुइसाइड करे तो वो क्यों जहन्नम में जाएगा? क्योंकि उसकी बॉडी थी नहीं, उसको उसकी जान भी थी नहीं, उसको उसको ख़त्म करने का कोई हक ही नहीं था, वो अल्लाह की दी हुई अमानत थी, उसको संभालना चाहिए था। इसी वजह से कोई अपनी बॉडी को नुकसान पहुँचाए सिगरेट वगैरह पीकर, तो उसको क्यों सज़ा भुगतनी पड़ेगी? बोले मेरी बॉडी, मैं कुछ भी करूँ नहीं, क्योंकि वो बॉडी उसकी थी ही नहीं। हाँ, तो बॉडी हमारी है ही नहीं, ओनर होना चाहिए ना, ओनर या ओनर के तरफ से, ना हम ओनर है ना हम ओनर के तरफ से है, ना अल्लाह ने हमें ऑथराइज़ किया कि जाओ तुम कर सकते हो। तो ऑर्गन्स को सेल करने की इजाज़त तो नहीं। हाँ, ऑर्गन्स डोनेट करने की ताल्लुक से मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। देखिए, ऑर्गन्स डोनेशन के अंदर वो ऑर्गन जिसके अंदर कोई नुकसान आदमी को नहीं हो जाएगा खुद, जैसे आदमी ने दिल अपना दे दिया तो वो जैसे फिगरेटिवली कहना अलग बात है, लेकिन रियली ट्रांसप्लांट के अंदर वो बिल्कुल लीथल बात हो जाएगी। तो कोई ऐसी चीज़ जैसे पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे कुछ बोले आंखें तो 2 हैं मेरे पास, नहीं, लेकिन ये भी रेंज ऑफ विजन होता है जो अल्लाह ने दिया है। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर किडनी देकर आप बचा सकते हो तो जान बचाने की बात है, बचा लो उसकी जान। उसी तरह हम देखते हैं कि कोई ऐसी पार्ट है जिससे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा आदमी को, जैसे ब्लड दे रहे हैं, ब्लड वापस आ जाता है, तो ब्लड देना डोनेट करना इसकी भी इजाज़त है, हालांकि ये भी मजबूरी की सिचुएशन में ही अप्लाई होता है। लेकिन ट्रांसप्लांट के ताल्लुक से बहुत अहम बात क्या है ना, कि लिविंग डोनर्स जो देते हैं ये तो एक बात है, मरने के बाद जो डोनर दे, हाँ जो डोनर मरने के बाद दे, बोले कि मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी में से मेरी किडनीज निकाल लेना, मेरा लिवर निकाल लेना, मेरी आंखें निकाल लेना, फलां फलां को दे देना या किसी को दे देना, तो ये कैसा है? इसके ताल्लुक से हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मन कसरा अजमिल मैत ककसर ही हया, मुर्दे की हड्डी तोड़ना ऐसा ही है जैसे जिंदे की हड्डी तोड़े। जैसे जिंदा आदमी की हड्डी तोड़े तो कैसी बात है, गुनाह की चीज़ है ना, तो मुर्दे की हड्डी तोड़ना भी ऐसी चीज़ है। इसी वजह से मुर्दों की हड्डी तोड़ने की इजाज़त नहीं है। हाँ, इसी वजह से अगर कोई केस हो जाए जिसके अंदर पोस्टमार्टम आ जाए तो वो पोस्टमार्टम अवॉइड करने की पूरी कोशिश करना चाहिए, हालांकि ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसकी वजह से उन्हें पोस्टमार्टम करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसके किए बगैर भी हो जाएगा। क्या चीज़ के ज़रिए? जो स्कैन जो है पर्टिकुलर उसके ज़रिए उनको जो रिपोर्ट चाहिए ना वो मिल जाएगी। वेस्टर्न कंट्रीज़ में कुछ जगहों पर जूज ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है, क्यों? क्योंकि जूश रिलीजन में भी बॉडी को कट करना जायज़ नहीं उनके तहत। बात यहाँ पर यह है कि वो ऑर्गन डोनेट अगर करने जाएंगे तो उसके अंदर बॉडी को कट ओपन करके ऑर्गन निकालने में कुछ हड्डियाँ वड्डियाँ टूटने का चांस है ही ऑफकोर्स, कि कोई हड्डी टूटेगी वो ऑर्गन निकालने के लिए। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, किसी ने अगर मुर्दे की हड्डी को तोड़ा तो ऐसा है ककसरी हया जैसे कि जिंदगी की हड्डी को तोड़ दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक बात सोचें आप, कि मान लीजिए कि कोई शख्स अगर अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को डोनेट करे तो वो एक इंसान की बॉडी से कईयों जान बच सकती है। क्योंकि हम देखते हैं कि इंडिया जैसी कंट्री के अंदर क्यों ऑर्गन्स की इतनी शॉर्टेज होती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं, जो हिंदूज़ भी हैं उनके यहाँ भी ऐसी चीज़ है कि वो लोग बॉडी को कट करना अच्छा नहीं मानते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर वो डोनर्स जो जैसे किडनी के, हम देखते हैं कि किडनी के कई सारे लोग हैं किडनी फेलियर्स के, कई सारे लोग
आज मेडिसिन वगैरह के रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन वगैरह होने की वजह से यंग एज में किडनी फेलियर्स वगैरह के कई सारे केसेस हो जाते हैं। और किडनीज का जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ने अपना नाम लिखा करके रखो और नाम लिखा के रखो उसके अंदर इतनी लंबी लिस्ट है और किडनीज जो आ रही है बहुत कम। वो किडनीज कौन सी, जैसे लावारिस जो लाशें पड़ी मिल गई उसमें से वो लोग किडनीज जो निकाल लेते हैं और वो जो मिलती है, या कोई जो शख्स जो मरने से पहले विल करके आता है कि मेरी बॉडी के मैं पार्ट्स ये डोनेट कर रहा हूँ, हाँ, तो वो अपने पार्ट्स डोनेट करके जो लोग मरते हैं तो वो जो जो लोग हैं उनकी जो किडनीज आती है बहुत कम आती है। लेकिन वही चीज़ अगर वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे तो बहुत सारी आती है, क्योंकि वहाँ पे लोग ऐसी वसीयतें वगैरह करके आते हैं, विल करके आते हैं कि मेरे मरने के बाद, क्योंकि इतने पर्टिकुलर आवर्स के अंदर बॉडी में से निकाल सकते हैं वो ऑर्गन्स पर्टिकुलर आवर्स में। हम अगर इस चीज़ के बारे में देखें कि एक नुकसान ज़रूर है लेकिन इतनी सारी जानें बचने का चांस है कि अगर एक शख्स अगर अपनी बॉडी के पार्ट्स जो ऑर्गन्स डोनेट करे तो एक किडनी एक इंसान में गई तो एक जान बच गई, एक किडनी दूसरे इंसान में गई तो दूसरी जान बच गई, उसके फला फला पार्ट्स चले गए और कितने सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिससे जानें बचती है, तो कितनी सारी जानें बच सकती है वो एक आदमी के उस चीज़ को डोनेट करने से। एनीवे ये बात अंडर डिस्कशन है और कुछ स्कॉलर्स के फतवे है तो, लेकिन फिर भी ये बात अभी तक बिल्कुल हम लोग ओपनली नहीं बोल सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह किसी दिन मेरे पास कोई अच्छा फतवा हो तो मैं इस बात को बोलूँगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि आप खुद सोचो, मैंने खुद अपनी वालदा को कई साल तक किडनी फेलियर से तड़प तड़प के आखिर में मरते देखा, और यही बात है हकीकत के ट्रांसप्लांट के ज़रिए इतनी जानें बच सकती है। तो हड्डी टूटना ये एक चीज़ है, नुकसानदेह यकीनन है, लेकिन कितनी जानें बचना, अगर जीते जी को आदमी की हड्डी तोड़े ताकि इतनी सारी जानें बच जाएँ तो वो भी एक बात है। जो अगर देखें, अगर कुरान के अंदर हदीस में जो रूल मिलता है अखफ़ुद दररेन, दो नुकसानों में छोटा नुकसान, दो नुकसान है, नुकसान दोनों में लेकिन छोटा नुकसान किस चीज़ में है, तो एक नुकसान उठा करके बड़े नुकसानों से अगर बच सकते हैं तो शरीयत ने उस चीज़ की इजाज़त दी है। एनीवे ये बात हम देख रहे हैं ऑर्गन्स के ताल्लुक से, लेकिन सेल करने की इजाज़त नहीं क्योंकि हम लोग ओनर नहीं है, हाँ। तो हम इसी के साथ ये मसले को ख़त्म करते हैं। नाज़रीन, ये था एक छोटा सिलसिला जिसमें हमने तिजारत के इस्लामी उसूल के मुताल्लिक कुछ बुनियादी उसूलों को एक इंट्रोडक्टरी तौर पर देखा। हमने कई सारे मसाइल, कई सारे कंटेम्प्रेरी इशूज, कई सारे हलाल अल्टरनेटिव्स, ये सब देखे। अब सवाल ये है कि इन उसूलों को जिन्हें हमने सीखा है इस प्रोग्राम के ज़रिए, हम अपनी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं, और इन चीज़ों को सीखने के बाद इन चीज़ों की बुनियाद पर आगे की ज़िंदगी में जो और हमें सीखना है और इल्म हासिल करना है, उस इल्म के रास्ते पर हम कितना चलते हैं। ज़रूरी बात यह है कि इस्लामिक इकॉनमी जो एक इंटरेस्ट फ्री इकॉनमी है जिससे सिर्फ मुस्लिम्स नहीं बल्कि सारे इंसानों के लिए खैर और भलाइयाँ हैं, जिसमें जुल्म से नजात है, जिसमें हम देखते हैं भाईचारगी एक इंसान की दूसरे इंसान के साथ बाकी रहती है, जिसमें हम देखते हैं कि वेस्टेड इंटरेस्ट बाकी मजलूम लोगों का फ़ायदा नहीं उठाते, जिसमें बहुत सारी गलत चीज़ें आम है, वो सारी गलत चीज़ों से बच जाता है एक आम इंसान, तो हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को स्टडी करें, इन चीज़ों के ताल्लुक से तहकीक करें, और जो सही और हक बात है, जो सच्ची बात है, जो सारे इंसानों के लिए और इंसानियत के लिए भलाई वाली बात है, वो बातों को हमें प्रैक्टिकल तौर पर अपनी लाइफ में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कंट्री में, अपनी कम्युनिटीज़ में लाना चाहिए। ये एक अपील है जो मैं आप सबके सामने रखता हूँ, और इसी अपील के साथ हम इस प्रोग्राम की इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो तमाम चीज़ें हमने सीखी, अल्लाह ताला हम सबको उन चीज़ों को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।